जय श्री कृष्णा। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का उल्लेख है। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। आइए विस्तार से जानते हैं भक्त प्रहलाद की कहानी, जो अत्यंत रोचक और बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। सनकादि ऋषियों के शाप के कारण भगवान विष्णु के पार्षद जय एवं विजय को दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ा। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्षपुत्री दीति के गर्भ में से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति थी। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं महेंद्रांचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राजविहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने पूछा, देवराज इसे कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, देवर्षि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, उसे मार कर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज इसके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे बोले, बेटी तुम यहाँ आराम से रहो, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मन चाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए, तब हिरण्यकश्यप ने उनके शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी गोदी में बिठाकर दुलार किया और कहा, वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है, उसमें से कुछ अच्छी बात सुनाओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ। जो आदि मध्य और अंत से रहित, अजन्मा वृद्धि क्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंतकर्ता उन श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण,
यह क्या, तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दी? गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं है। प्रहलाद बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकश्यप बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निशंक होकर स्तुत कर रहा है, वह मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तुम मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा बक रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद के मन में श्रीहरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों से कहा, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्रीहरि की कृपा से असफल हो जाते थे। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांध कर समुद्र में डाल दिया, पर प्रहलाद फिर भी बच गए। उन सब ने प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवत कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। रसोइयों के द्वारा विष मिला हुआ भोजन देने पर प्रहलाद उसे भी पचा गए। जब प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप के पुरोहितों ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी कृत्या ने अपने पैरों से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, पर उस बालक के छाती में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर नीचे गिर पड़ा। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए कृत्या ने तुरंत ही उन पुरोहितों पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गए। अन्य प्रचलित कथाओं के अनुसार कृत्या के स्थान पर होलिका का नाम आता है, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, पर ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप के दूतों ने उसे जब यह समाचार सुनाया तो वह अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? वह यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वे प्रभु खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे में एक घूसा मारा। उसी समय उस खंभे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने की समान पीली पीली आँखें थी। उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थी और वे भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे।
उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप सिंह नाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपनी नखों से उसके कलेजे को फाड़ कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप की ऊंची सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि, मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुँचे और थोड़ी दूरी पर स्थित होकर सभी ने अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग से स्तुति की। पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, पर भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रोध हुए थे, अब तुम ही जाकर उनको शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लौट गए और उनकी स्तुति करने लगे। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दयाद्र हो गए और उसे उठाकर गोद में बिठा लिया और प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर फिर भी तुम केवल एक मन्वंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कृति का गान करेंगे। यह कहकर भगवान नरसिंह वहीं अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु पुराण में पराशर जी कहते हैं, भक्त प्रहलाद की कहानी को जो मनुष्य सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की सभी आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है।